नमस्ते, आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरी किचन पे। आज हम बनाएंगे मटन आलू की करी। मटन आलू की करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मटन को हल्दी, नमक और सरसों का तेल डालकर आधे घंटे से पहले रख दिया था। 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आलू को मैंने फ्राई करके रखा है। मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज का आलू यूज किया है। 4 बड़े साइज का प्याज को मैंने ऐसे कट करके रखा है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, 2 लाल मिर्च, तेजपत्ता, काली मिर्च, शुगर, मीट मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर का यूज किया है, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी और चक्रीफूल। अब हम मटन आलू की करी बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। पहले हम गैस के ऊपर पैन रखकर उसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। पैन हमारे अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। शुगर थोड़ी सी रेड कलर हो जाने के बाद हम इसमें तेज पत्ता, हरी मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी और चक्रीफूल को डाल देंगे। अब हम इसमें जीरा को डाल देंगे। मसाले हमारी थोड़ी सी भुन जाने के बाद हम इसमें कटे हुए प्याज को डालेंगे। आधे प्याज को डालेंगे और आधे ग्राइंड करने के लिए रख देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम में रखा है। प्याज को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी बीच में हम मसाले बना लेते हैं। एक ग्राइंडिंग जार में हम प्याज, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च और काली मिर्च को डालकर इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुके हैं। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे। प्याज हमारी हल्का सा ब्राउन कलर हो चुकी है। अब हम ग्राइंड किए हुए मसाले को डाल देंगे। और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे।
अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मीट मसाला पाउडर डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम मसाले में थोड़े से पानी डालकर मसाले को हम 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। ऐसे बीच बीच में मिलाते जाना है। इसमें पानी थोड़ी सी कम लग रही है, इसलिए मैंने और थोड़ी सी पानी डाल रही हूँ और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए मसाले को अच्छी तरह से पकाएंगे। मटन पे हम नमक डाले थे, मसाले में हम थोड़ी सी नमक डालकर इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और गैस की फ्लेम को मीडियम में रखकर इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के अंदर ढक्कन खोलकर बीच बीच में हमें मसाले को मिलाते रहना है। 10 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलकर मसाले को थोड़ा मिला लेंगे। देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुकी है। मैंने 2 से 3 बार ढक्कन खोलकर मसाले को मिलाया था। अब हम इसमें मटन को डाल देंगे। इसको हम मसाले में अच्छी तरह से मिला लेंगे। मटन को हम 5 मिनट के लिए मसाले में अच्छी तरह से मिलाएंगे। मटन हमारी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी डाला है। मटन को हम ढककर पकाने से ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम प्रेशर कुकर में इसे पका लेंगे। मैंने मटन को प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। मैंने मटन को कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसको ढककर 3 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखकर इसे 3 सीटी आने तक पकाएंगे। हमारा पहला सीटी आ चुका है। ये रहा दूसरा सीटी। यह हमारा तीसरा सीटी भी आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। प्रेशर कुकर हमारी अच्छे से ठंडे हो जाने के बाद हम इसकी ढक्कन खोलकर आलू को डाल देंगे।
और गैस ऑन करके इसको मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है और इसको हम ढककर एक सीटी आने तक मीडियम आंच में इसको मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम में कर दिया है और इसे हम ढककर एक सीटी आने तक पकाएंगे। एक सीटी आ चुकी है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। प्रेशर कुकर हमारी अच्छे से ठंडे हो चुकी है, अब हम इसकी ढक्कन को खोल कर देखेंगे कि मटन हमारी अच्छे से पकी है कि नहीं। आलू और मटन अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये हमारी मटन आलू की करी बन चुकी है, अब हम इसको प्लेट में सर्व करते हैं। ये हमारी मटन आलू करी की प्लेटिंग हो चुकी है। अगर आप सबको आज का रेसिपी अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।